तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, जिसकी वजह से मैं डिस्कस करूंगा। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है पहले से ही कि हम क्या क्या डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर कह सकता हूँ कि हम 24 घंटे में क्या साइंस डिस्कवर कर सकते हैं। तो उसके बेस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है 24 घंटे की साइंस। आप एक बार उसे जाकर सर्च करना यूट्यूब पे 24 घंटे की साइंस में दीपक अग्रवाल और आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। और तब तक के लिए मैंने आपको एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सोचा कि 24 घंटे के अंदर हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो 24 घंटे के अंदर हम कुछ गलत चीज़ें भी तो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज से और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्या होती है, परेशान होती है। एंड ऑल्सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर आर बॉडी टू गेट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज और डिसऑर्डर। बट स्टिल आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि हम 24 घंटे के अंदर कैसे वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम शुरू से लेके, हम उठने से लेके बैठने तक, सोने से लेके जागने तक और क्या क्या गलती करते हैं उसका हम एक प्रॉपर शेड्यूल एंड साइंस फोकस करेंगे। ये प्रॉपर साइंस के लिए चैप्टर है, यानी कि चैप्टर इन द सेंस जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये इसी चैप्टर पे बेस्ड है। चैप्टर कोई बुक वाला चैप्टर नहीं है, चैप्टर इन द सेंस एक पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ आर हेल्थ साइंस। ओके, पहले अगर हम बात करें सुबह सुबह हम क्या करते हैं, आपको भी सुबह सुबह तो हम सो के उठते हैं, ऑफकोर्स हम सो के उठते हैं। अब सो के उठने में क्या है, हमें बेसिकली सो के उठ के रिलैक्स होना चाहिए, एकदम से हड़बड़ाहट में नहीं अपना अपने आप को जगाना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात पता क्या है, वेक अप लेट। सुबह हम उठते तो हैं पर बहुत ज़्यादा लेट। कुछ लोग होते होंगे ना जो 10 बजे उठते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 12 बजे उठते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 6 बजे भी उठते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 4 बजे भी उठते हैं। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम्स, सब कहेंगे कि उठने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह उठने में प्रॉब्लम ऐसी है कि बेसिकली ना हमारी बॉडी जो है प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू, हमारी बॉडी पूरी रात मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, मतलब हमारे फूड को ब्रेक कर रही होती है और हमें डाइजेशन में हेल्प कर रही होती है। आपके तो आप कहोगे कि आप डाइजेशन तो सुबह ही हो जाती है, हो जाती है, डाइजेशन हमारे 4 घंटे लेती है टेक प्लेस करने में, लेकिन हमें जितने में एनर्जी है वो हमारी रात में यूज होती है टू रिकवर द सेल्स एज वेल एज द पोटेंशियल, टू गेन द पोटेंशियल ऑफ द सेल्स सो दैट कि वो हमारी बॉडी काम कर सके एक प्रॉपर रूटीन में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बहुत देर तक जाग रहे होते हैं ना, या फिर बहुत देर तक सो रहे होते हैं, आप लोग रात को जाग रहे होते हैं, ऑफकोर्स रात को जाग रहे होते हैं, और जब हम सुबह लेट उठते हैं ना बहुत, तो सुबह लेट उठने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर पाती, एक प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल को फॉलो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सुबह जल्दी नहीं उठते, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म एंड मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है मोर अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजेनिक कंटेंट हमारी बॉडी में रहता है। अब एक कुछ ऐसा समझो कि आपका, आपने ना बहुत सारा खाना बना लिया, लेकिन खाने वाले से 2 इंसान है और आपने खाना बना दिया 10 लोगों का, तो क्या होगा, वो खाना पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। बस वैसे ही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर व्हेन वी अंडरगो अ लेट नाइट ऑफ स्लीप, हम जब एक लेट नाइट ऑफ स्लीप की वजह से जाते हैं, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, सुबह लेट उठते हैं, अभी सुबह की बात चल रही है, सुबह लेट उठते हैं तो उससे होता क्या है कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजेनिक कंटेंट वो ब्रेक होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो मोर अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से और तो और हमारी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेवल बनता है। लेकिन जब हम लेट उठते हैं तो वही मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसकी वजह से वो मैकेनिज्म एक हमारे सेल के अंदर स्टोरेज के फॉर्म में हेल्प करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करता है। अब आप कहोगे इसमें अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, हमारी बॉडी में ज़्यादा सोने की वजह से मोटापा बढ़ता है। अब लोग कहेंगे कि ज़्यादा सोने की वजह से डिसीज ठीक होते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, डिसीज ठीक होते हैं, लेकिन रिकवर होते हैं वो उस वजह से कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूजफुल होता है इन रिकवरिंग द सेल। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रिकवर हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, उसकी वजह से हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है। पर अब इस बात में ओबेसिटी कहाँ से आई, इस बात में ओबेसिटी यहाँ पे आई कि बेसिकली जब एक हद से ज़्यादा सेल रिकवर हो जाते हैं और एक हद से ज़्यादा सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस कर जाता है, तो उसके अंदर के जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि टॉक्सिक भी हो सकते हैं और जो प्रॉपर अमाउंट में एक्सक्रीट ना हुए, प्रॉपर अमाउंट में डाइजेस्ट ना हुए, प्रॉपर अमाउंट में एक्सरसाइज की फॉर्म में यूटिलाइज ना हुए, तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं हमारे ऑर्गन को, ऑर्गन प्रोलिफरेशन हो सकती है, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर कमी हो सकती है, ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन्स के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है किसी विटामिन की, किसी मिनरल की, क्योंकि वो बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा मेटाबोलाइज होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक भी तो होंगे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या है ओबेसिटी फॉलो करती है, यानी कि फैट और डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड पार्टिकल्स जब रीजनरेट होकर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फैट एंड कोलेस्ट्रॉल की एक्युमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत वीक होने लग जाती है और ओबेसिटी की वजह से मोटी होने लग जाती है। इसलिए कहती है टाइम पे उठो, द पर्सन हु वेक अप अर्ली गेट्स हेल्दी अर्ली,
जो हमारे बॉडी में वेक अप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। आपने सुनी होगी ना कहावत, ये बिल्कुल सही कहावत है जो कि बेसिकली हमें बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रॉपर मेटाबॉलिज्म पे एक्सप्रेस करना चाहिए, उसके लिए हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जागना चाहिए। उससे होगा क्या, हमें प्रॉपर रूटीन साइकिल मिलेगी, क्योंकि हमने जब सो रहे होंगे तो डाइजेशन हो रही होगी, डाइजेशन होगी तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से गायब होएगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ना मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट एक्सप्रेस करता है, और हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठने की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट वो डिसीजेज नहीं हो पाएंगे। मैंने यही बताया अभी तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सोने के बाद क्या करते हैं हम, सबसे जल्दी सबसे पहले उठते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं, ये नहीं करना होता। सबसे हम पूरी रात सो रहे होते हैं, तो सोने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट स्लो कर चुकी होती है, रुकती तो नहीं है पर स्लो कर चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से लुब्रिकेट हो चुकी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है रात के कारण, रात में हमारी बॉडी जो है वो सेल डिवीजन कर रही होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन होता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की वजह से हमारी बॉडी जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती है या फिर स्लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ठीक से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं कर पाती कुछ, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रुक जाती है। और तो और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम एकदम से उठ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से हमारे पे मसल्स पे स्ट्रेन आता है, एक हमारी बॉडी पे एक फोर्स आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत टाइप तक सेल डिवाइड करने से रुक नहीं सकती है, सेल डैमेज भी हो सकती है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, जहाँ तक कि हमारे लिगामेंटल इंजरी भी हो सकती है। अब आपको आज तक हम इतनी जल्दी उठते आए हैं, हमें तो कभी नहीं हुई, वो चांसेस के बेस पर डिपेंड करते हैं। हमारी बॉडी जब काफ़ी ज़्यादा हद तक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके यानी कि पूरी रात मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करती और अपने प्रोसेसेस को कंटिन्यू रखती है, उन प्रोसेसेस के बाद जब हम एकदम से मूवमेंट्स करते हैं रात के बाद, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ना एक सर्टेन स्ट्रेन आता है, खड़े होते ही हम बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं और वो मसल्स एकदम से एक्टिवेट होते हैं, और एकदम से एक्टिवेट होने की वजह से उनको प्रॉपर सिग्नलाइजिंग पाथवेज नहीं मिलते, प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो एक स्ट्रेन की तरह काम करता है, एक फोर्स की तरह काम करता है, और वो हमारे मसल्स को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए हमें एकदम से नहीं होना चाहिए, हमें हल्की से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, हल्की से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, हल्का सा अपना बैठो, सांस लो, ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन क्वांटिटी अच्छी हो, वो ऑक्सीजन जो हमने रात में यूटिलाइज किया वो रिकवर हो सके। ऐसा नहीं कि पूरी देर तक बैठे रहो ऐसे, नहीं, आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन थोड़ी सी, सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर अमाउंट में एक हल्की से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर अमाउंट में मतलब प्रॉपर फोर्स लगाना, प्रॉपर स्ट्रेचिंग। अब क्या करना है, अब आपको ऐसे नीचे पैर रखने हैं हल्के से और हल्का हल्का उठना है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपके बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर चुकी होगी और उसकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो चुकी होगी शुरू, जिसकी वजह से क्या होता है हमें बस कुछ टाइम लगता है ऑक्सीजन को करने में, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, रात को भी वो रेस्पिरेशन करते हैं पर दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और दिन में रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन मेन है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन बनने की वजह से हमारी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेक्सिबल सराउंडिंग हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होकर मूव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर मूवमेंट क्वांटिटी में ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम रात को सोने की वजह से हमारी बॉडी में रेस्टिंग मोशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होती है, जिसकी वजह से हम ना रात को ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से मसल पर स्ट्रेन आ सकता है, हम ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मस्कुलर डिजनरेशन, मस्कुलर पेन एंड मस्कुलर डिप्राइव्ड सेंसेशन, डिप्राइव्ड मतलब डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, डिप्राइव्ड सेंसेशन, यानी कि ऐसी जो वीकनेस आ सकती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे लिए एक ब्रेकिंग का कारण बन सकती है, एक इंजरी का कारण बन सकती है, तो हमें पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से याद आया, हम सुबह पानी नहीं पीते, सुबह सुबह हमारी बॉडी के अंदर हमें सबसे पहले खड़ा होते ही या फिर बैठते ही जैसे हम उठते हैं सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए। हवा को कि सर क्यों ऐसे क्यों करना है, देखो ऐसा है ना, हम जब पूरी रात सो रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर डाइजेशन टेक्स प्लेस कर रही होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना सलाइवा एक्युमुलेशन हो रही होती है और सलाइवा एक्युमुलेशन की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत प्रॉपर अमाउंट ऑफ बेनिफिशियरी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा में, जो कि हमारी बॉडी को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी के एसिड को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे से बैलेंस अपने आप को एडजस्ट कर पाती है, जो डिफरेंट गट प्रॉब्लम्स है वो भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जितने भी इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड प्रॉब्लम्स है वो भी रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम अपने सलाइवा को अंदर इंगल्फ करते हैं। अब अंदर इंगल्फ कैसे करें, पानी पियो, पानी पीने से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हम एंगल्फ करते हैं ना उसे पानी पीते ही हम अपने सलाइवा को एंगल्फ करेंगे तो सलाइवा एंगल्फ करने की वजह से बेनिफिशियरी कंपोनेंट्स जो होता है वो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे बॉडी के
different type of lubrications, different type of intestinal recovery, intestinal movements में help करते हैं और सबसे ज्यादा हमारे food digestion में help करता है जो कि हमारी body में बहुत important है ताकि वो lactic acid accumulation ना हो जिसकी वजह से हमारी body में cramps भी नहीं आते। ठीक है, अगर हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर हम लेट उठेंगे तो हमें ओबेसिटी होगी, अगर हम एकदम से खड़े हो जाएंगे फीट पे तो हमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और मस्कुलर कंजेशन भी हो सकता है। मस्कुलर कंजेशन मतलब मस्कुलर ब्लॉकेज हो सकती है। नो ड्रिंकिंग वाटर मतलब अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो एसिडिक कंटेंट हमारे रात भर डाइजेशन की वजह से सेक्रेट हुआ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लोटिंग गैसियस पित्त हमारा शांत नहीं होगा, हमारा पित्त इंबैलेंस रहेगा, हमारी बॉडी के अंदर हीट एक्युमुलेशन की वजह से हमें डायरिया लूज मोशन वॉमिटिंग न्यूजिया और यहाँ तक गैस्ट्राइटिस यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो भी सुबह उठ के पानी ही पीते थे, हमें भी ये ध्यान रखना है कि जब हम सुबह उठे तो हम सबसे पहले पानी ही पिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ पित्ता बैलेंस रहे जिसकी वजह से हमारे वात दोष और पित्त कफ जो होता है वात पित्त और कफ दोष होता है वो बैलेंस रहेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी और हमारा जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा। हमारी बॉडी का पीएच लेवल 5.8 to 6 और 7 तक मेंटेन रहता है, इसलिए हमें काफी काफी हद तक अलग अलग होता है। एसिड जो स्टमक में होता है उसका पीएच अलग होता है, जो सलाइवा होता है उसका पीएच अलग होता है, जो ब्लड होता है उसका पीएच अलग होता है, जो वाटर होता है उसका पीएच अलग होता है, जो इंटेस्टाइन होता है सबका पीएच अलग अलग होता है। बट डिपेंडिंग अपॉन एक सलाइवा काम से इतना है कि वो हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और हमारी बॉडी को क्या करे एक पीएच बैलेंस मेंटेन करे और हमारी बॉडी को हेल्दी रखे। नॉट वॉचिंग सनराइज, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सुबह सुबह उठते ही फोन चलाने जाते हैं। हमें सुबह सुबह उठते ही फोन नहीं चलाना चाहिए, यहाँ तक कि टीवी में देखना चाहिए। कुछ भी ऐसा काम मत करो जो आपकी बॉडी को स्ट्रेन दे, कुछ भी ऐसा काम मत करो जो आपकी बॉडी को परेशान करे, कुछ भी ऐसा मत करो जो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब। आप जब दिन में फोन देखते हो ना तो उसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोन रेडिएशन जो आपके आंखों में जा रही है उससे आपके आंखों के कॉर्निया सेल्स और ऊपर से आपकी जो सीरियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह, जिसकी वजह से हमारी जो आईज है वो रात में बिल्कुल रिलैक्स रहती है लेकिन स्टमक सुबह सुबह उठते ही एकदम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते ही हमारी बॉडी जो है वो एक इम्बैलेंस स्टेट में चली जाती है जिसकी वजह से हम सुबह सुबह इतना ज़्यादा। अब सुबह हम आँख खोलते हैं, अब आपको होगा कि हम सुबह उठ के आँख खोलते हैं तब भी तो होता होगा, तब होता है हमारे नेचुरल रेडिएशन जो हमारी आँखों में जारी होती है, जो नेचुरल लाइट रेडिएशन या लाइट पार्टिकल जो हमारी आँखों में जारी होती है। बट अगर हम बात करें फोन की तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ फोन की जो रेडिएशन जो बहुत हार्मफुल होती है हमारे आंखों के लिए वो हमारे आंखों में एंटर करके हमारी आंखों की कॉर्निया सेल्स रेटिना सेल्स को डिस्टर्ब करके हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है आंखों में वो इम्प्रॉपर रहती है। अब अगर आंखों में तो होती ही नहीं, कॉर्निया के अंदर नहीं होती, टू बी वेरी फ्रेंक कॉर्निया के अंदर नहीं होती, रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होती है। तभी आपकी आंखें जब आप बहुत स्ट्रेन देते हो अपने आंखों को, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो, रात को आप पूरा दिन काम करते रहते हो लैपटॉप पे, पूरा दिन फोन चलाते रहते हो, तो उससे क्या होता है आपके आंखों के ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपके आंखों को ऑक्सीजन लेवल की बहुत जरूरत होती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा हमारे आंखों में स्ट्रेन यानी कि हमारे आंखों में चश्मा लग जाएगा, हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी हमारे आंखों में सही तरीके से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आई लोड हो जाएगा। आई लोड मतलब इट कुड बी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द आईज, इट कुड बी कॉर्नियल इन्फेक्शन, इट कुड बी रेटिनल इन्फेक्शन, दैट कुड बी कॉर्न सेल डैमेज, इट कुड बी कलर ब्लाइंडनेस, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर द एक्टिविटी यू आर ट्राइंग टू डू एंड इन विच कॉन्टैक्ट, आप किस कॉन्टैक्ट में और किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। इसलिए आप ये सब फोन वगैरह छोड़ के लैपटॉप वगैरह छोड़ के रात को पहले प्रॉपर अमाउंट से सोएं। आप अगर रात को नहीं सोते हो ना तो आपकी ओबेसिटी लेवल बढ़ जाती है, आप मोटे हो जाते हो बहुत ज़्यादा, यही होता है कारण इसके पीछे कि आप जब सुबह उठते हो, अगर आप सो के उठोगे तो आप पतले से नजर आओगे। आपको आपने कभी फील भी किया होगा कि आप पहले से पतले हो गए हो जब आप सो के उठते हो, क्यों? क्योंकि बेसिकली आपकी जो ओबेसिटी लेवल्स है वो मेंटेन हो चुकी है और आपके प्रॉपर डाइजेशन अमाउंट में हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप टाइम पे उठोगे तो आपकी बॉडी ठीक से प्रोसेस कर पाएगी अपने आप को। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी मेंटेन रहेगी, आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी मेंटेन रहेगी, जब आप पानी पियोगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी मेंटेन रहेगी यानी कि रिलैक्स रहेगी। ठीक है, अब बात करो सनराइज की देखें, सनराइज की जो यूवी रेडिएशन होती है वो आपको कि फोन से नहीं आती, फोन की जो रेडिएशन होती है वो बहुत हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू सनराइज, क्योंकि सन जो होती है उनकी रेडिएशन हमारी डिफरेंट एटमोस्फेरिक रेडिएशन यानी कि एटमोस्फेरिक लेयर से होकर निकलती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्कैटर हो जाती है और स्कैटर होने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेव्स आती है वो यूवी रेडिएशन वो नॉन एनर्जिंग रेडिएशन होती है जो कि हमारी बॉडी को पेनेट्रेट नहीं करती, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती। जहाँ तक हम बात करें एक्स रेज की तो एक्स रेज गामा रेज ये सब एनर्जिंग रेडिएशन होते हैं जो हमारी बॉडी के पार चली जाती है, लेकिन जो बात करें हम यूवी रेडिएशन की तो वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। जैसे कि हम धूप की बात करें
वो धूप जब हमारी बॉडी में पड़ती है, सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बहुत फ्रेश और बहुत यूनिक होती है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा मेंटेन्ड होती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे सन को वो जब एंटर करती है ना, तो एक कूल एटमोसफेयर में एंटर करती है। कूल एटमोसफेयर में एंटर करने की वजह से एक हीट ट्रांसफर यानी कि हीट इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और इस हीट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने से जो वेवलेंथ हमारी बॉडी में पड़ती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी बॉडी की नेगेटिविटी होती है उस सबको रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट मतलब हमारी बॉडी से निकाल देती है, रिमूव कर देती है, जितने भी हमारे बॉडी के पार्टिकल्स है जो कि हमारे डेड स्किन सेल्स का काम करते हैं वो सबको वो शेड कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, वो सारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हम जब सूरज के आगे जाते हैं तो हमारे आईज भी बहुत हद तक इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव मतलब बहुत हद तक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है उस पर, यानी कि हमारी सनलाइट जो होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर तो इफेक्ट डालती है, इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि हमारी बॉडी का फायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें आंखों की, तो हमारी बॉडी पे जो है आंखों पे भी बहुत पॉजिटिव, बहुत फायदेमंद इफेक्ट पड़ता है। हमारी आंखें बहुत हद तक पॉजिटिव रहती है, हमारी आंखें बहुत कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बची रहती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो रात में इतने स्ट्रेन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुई वो रिलैक्स हो जाती है, और हमारी बॉडी पहले से हद तक ज़्यादा अच्छे से देख पाती है। और ये नहीं है, हाँ आपका होगा कि किसी को चश्मा लगा हुआ है तो उसके चश्मे भी उतर जाएगा, मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली तो नहीं कह सकता, बट हाँ पक्का उतर जाएगा। मेरे पास मानो सूरज भी सुबह सुबह देखो, योगा करो, और सुबह सुबह आप सनलाइट में थोड़ी देर तक क्या करो, गायत्री मंत्र करो। गायत्री मंत्र 10 बार कर लो, 5 बार भी नहीं करना, 4 बार कर लो, करो तो सही। आपको बस खड़ने का बहाना मिलना चाहिए सनरेज में। सनरेज में खड़ते ही आपकी जो आंखें वो प्योरीफाई होती है, आपकी जो आंखों में इन्फेक्शन होती है वो भी रिलैक्स होती है, और सूरज के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो प्लीज़ आप सुबह उठ के एक बार सूरज को देखा जरूर करो, सनराइज देखा करो। सनराइज देखने से क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिव होती है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपकी बॉडी जो है वो बहुत बहुत काफ़ी हद तक वो डिसीज फ्री हो जाती है, और आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। अब हम बात करें, सबसे पहले आप क्या करते हो, हम तो एक्सरसाइज करते ही नहीं। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते ना तो आपके बॉडी की जो सोर्स है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से आपकी जो डाइजेशन हुई है, आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुई है, डाइजेशन हुई है, हुई ना, अब जो डाइजेशन और रिलैक्सेशन हुई है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन डाइजेशन, वो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का काम करेगी, और उस एनर्जी के मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट तभी करेगी जब हम अपनी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि हम खड़े हुए हैं अपनी ज़मीन पे, हमारी जो ज़मीन हमें खींच रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हम जो चल रहे हैं ना ये काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ तक क्या मैं ये हाथ भी हिला रहा हूँ ये भी काइनेटिक एनर्जी है, और इससे जब आप एक पर्टिकुलर एनर्जी को यानी कि केमिकल एनर्जी को पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो चलने वाली एनर्जी होती है। तो आप दौड़ लगाओ, दौड़ो, काम करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी आसन करो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको हेल्दी रखे। जिम जाओ, जिम जाना जिम जाओ, सैर करनी है सैर करो, नहीं चल सकते हैं जाके मेरी वो वीडियो देखो जहाँ पे मैंने आपको 9 तरीके बेड पे आराम करने के, टाइप करो 9 तरीके बेड पे आराम करने के, ऐसी वीडियो डाल रखे बाय दीपक अग्रवाल, और उस पर आपको मैंने बताया कि बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे करें, और बेड पे बैठे बैठे आप 9 तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी भी रहेगी। आपको बस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी है। आप चाहे जिम जाओ, चाहे दौड़ लगाओ, चाहे सैर करो, कुछ भी करो, पार्क में जाओ खेलो, क्रिकेट खेलो, दौड़ो लगाओ, कुछ भी करो, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आपकी बॉडी को कोई भी अमाउंट ऑफ सोर्स चाहिए जो कि आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प करे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके उसे ATP एनर्जी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में यूज़ करे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP बनाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज, सिग्नल सेल सिग्नलिंग पाथवेज, यानी कि आप समझो कि ये अब मैंने को पिंच किया तो आपको पता चला कि मैंने पिंच किया, आपको कैसे पता चला, वो आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज साइनेप्सिस के थ्रू हुआ, आपके नसों के थ्रू हुआ, तो वो नशे आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपके ब्रेन को जब डिफरेंट रिफ्लेक्सेस तेज करने पड़ेंगे तो आपका ब्रेन काफ़ी हद तक रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको कार्डियोवैस्कुलर वो डिसीजेज हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इन सबकी ब्लॉकेज हो सकती है। आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी डिसीज जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट केसेस, या फिर हार्ट ब्लॉकेज, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे हम ब्लॉकेज भी कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हम यही ब्लॉकेज ही कहते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है ना, क्यों होती है,
जब आप बहुत लेट उठते हो, ओबेसिटी के कारण मोटे हो जाते हो, डायबिटीज का शिकार हो जाते हो। अभी मैंने डायबिटीज पे एक वीडियो बनाई है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट बिना मेडिसिन के, आप जाके उसे देखो, आपको बहुत मजा आएगा। आपको जाना चाहिए, मेरी वीडियोस देखनी चाहिए आपको। अब आपको क्या रीजन दूंगा आपकी वीडियो देखने का, मेरी वीडियो देखने का? अरे आप ही का चैनल है, आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? देखो आपको ना वीडियोस देखनी होती है, आपको वीडियोस वो देखो ना जो बेसिकली आपको बहुत फायदेमंद हो, जो आपके लिए एनर्जेटिक हो। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं कभी भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील दिलाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इस चैनल पर सिर्फ पॉजिटिव, हेल्दी और न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, कंटेंट्स मिलेंगे। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए मेरी वीडियोस कि मैं आपको कैसे मेडिसिन से छुटकारा दिलाता हूँ। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, चाहे कुछ भी हो, आप मुझे बस कमेंट करो। आप मुझे कोई भी साइंस का टॉपिक है, 5th क्लास, 10th क्लास, 1st क्लास, 2nd क्लास, या फिर नीट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, या फिर आप मुझे BSc बायोटेक से रिलेटेड कोई भी, मैंने सारी वीडियोज अपलोड करूंगा मैं अभी अभी। तो आप प्लीज़ सारी की सारी वीडियोस ध्यान से देखो। अगर ये वीडियो आप पुरानी वीडियो है तो प्लीज़ आप एक बार देखना है, वो सारी वीडियो डाल चुकी होंगी। अगर ये नई वीडियो है तो मैं ज़रूर डाल दूंगा इस वीडियो को, आपके लिए नई वीडियो होगी ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे वार्म अप। आप क्या करते हो, जाते ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल गलत। आपको एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना चाहिए हल्का सा, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी उस टाइम कूलिंग स्टेट में होती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है होमोस्टैटिक बैलेंस, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा अभी लूज होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं होता, यानी कि कूल होता है, कॉन्टैक्ट में नहीं होता, मतलब कि एक हाई रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट में नहीं होता कि एकदम से गर्मी आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमें पहले हल्की सी सैर करनी चाहिए, हल्के से दौड़ लगानी चाहिए, हल्का सा दौड़ना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत हद तक वार्म अप हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा वार्म अप क्या होता है। वार्म अप वो नहीं होता जो आप ये ऐसे एक्सरसाइज करते हो, वार्म अप वो होता है जो आप हल्की सी भी अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट जनरेट करते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इफेक्टिव जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी डिस्कवर होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है टेम्परेचर का, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर मेटाबॉलिक बैलेंस क्रिएट होता है। आपको क्या मेटाबॉलिक बैलेंस बोले जा रहा हूँ मैं इतनी देर से, ये है क्या मेटाबॉलिक बैलेंस है? हमारी बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिज्म यानी कि हमारी कितनी एनर्जी टूट रही है, और एनाबॉलिक एनर्जी यानी कि हमारी बॉडी में कितनी बन रही है। फूड हमने खाया, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा खाना है, ये मैंने खा लिया, ठीक है, अब मैं इसे खाऊंगा, ये टूटेगी, इसके अंदर जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है, ये टूटेगा, टूटेगा तो हमारी बॉडी में बनेगा। अब उस एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करेंगे तो वो फिर से एक जॉइंट मॉलिक्यूल बना लेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो जब फॉर्म होगी तो वो हमारी बॉडी में ATP एनर्जी के थ्रू क्या होगी, हमारी एनर्जी बनेगी, यानी कि एनर्जी करेंसी बनेगी, और उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज होती है। तो एक जो काटा उसे कैटाबॉलिज्म, और जो बाना यानी कि एनाबोलिज्म, ठीक है, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इज नोन एज मेटाबोलिज्म। कैटा एना, कैटा प्लस एना को बोल देंगे मेटा, मेटाबोलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पाथवेज मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलाइजिंग पाथवे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हमें एकदम से लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स नहीं आते, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स तभी आते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और वो तभी होती है जब आपने देखा होगा ना कि बैडमिंटन खेलते हुए, जब एथलेटिक्स होता है, स्पोर्ट्स देखते होंगे आप टीवी में, क्रिकेट खेलते खेलते एक इंसान एकदम से मोच आ जाती है पैरों में, या फिर अगर क्रिकेट हम वार्म अप ना करें क्रिकेट में, और एकदम से हम क्या करें क्रिकेट ना खेलें, मतलब खेलो क्रिकेट खेलने से पहले वार्म अप ना करें, या फिर क्रिकेट खेलने से पहले दौड़ ना लगाएं, फुटबॉल खेलने से पहले, बैडमिंटन खेलने से पहले, कबड्डी खेलने से पहले, कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो उससे हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अरे क्योंकि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स अभी इतनी ठीक से हुई नहीं ना, तो ठीक से नहीं हुई मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या फिर लैकनेस हो जाती है, बॉडी के अंदर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के बीच में क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स फिसल जाती है और हमें क्रैम्प आ जाता है, जिससे हमारे लिगामेंट भी ब्रेक हो सकती है, हमारे टेंडन्स भी ब्रेक हो सकते हैं। अभी लिगामेंट और टेंडन्स के हैं, लिगामेंट है जो हमारी हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन्स है जो हमारे मांस को, हमारे मसल्स को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि अगर हमारे बोन्स को मसल्स, इफ वी आर कनेक्टिंग बोन्स टू मसल देन इट इज कनेक्टेड बाय टेंडन्स, दैट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, वेयर एज इफ वी आर कनेक्टिंग बोन टू बोन इट इज कनेक्टेड विद लिगामेंट, दैट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट कुड बी लूज एज वेल, बट ये शायद लूज की कैटेगरी में आता है, सॉरी, बट टेंस भी होते हैं, लूज भी होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन लूज में आते हैं, ठीक है, बस आप इतना समझो, कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, हमारे ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, उसकी भी, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की लैकनेस हो जाती है ना, तो हमारे मसल्स के अंदर ल्यूब्रिकेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड की, ऐसा है।
फर्श है हमारी मसल, उसके ऊपर हम तेल लगा दिया तो क्या करोगे, फिसल जाओगे ना। बस ऐसे ही मसल के साथ होता है और इसी वजह से मौत आ जाती है, ठीक है। इसी वजह से हमें पूरा वार्म अप करना चाहिए ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इंक्रीज हो। रेस्पिरेशन मतलब ऐसे हम ऐसे सांस लेते हैं, सांस लेने की वजह से हमारी ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, हमारा जो ग्लूकोज पार्टिकल्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो फैट पार्टिकल्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी CO2, H2O और ऑक्सीजन यानी कि ATP एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ATP एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट्स परफॉर्म करती है और हमारी बॉडी एनर्जेटिक बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी जो है काफ़ी सेल्फ सस्टेन, हेल्दी और लाइफस्टाइल के थ्रू एक्टिव बनती है, ठीक है। इसी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स नहीं आते, क्रैम्प्स मतलब मोच, मसल क्रैम्प्स नहीं आते, जिसकी वजह से हमें क्या होता है हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। अब हमने एक्सरसाइज कर ली, अब एक्सरसाइज करने के बाद क्या, एक्सरसाइज करने के बाद हम सीधा घर चले जाएं, बिल्कुल गलत। एक्सरसाइज करने के बाद हमें लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन करना चाहिए अपने आप को। अब आपने अपने आप को बोमो तो कर लिया, अब आपका पित्ता कौन शांत करेगा? आपका पित्ता है यानी कि आपके जो बॉडी में हीट और वाटर का कंटेंट है, यानी कि आपकी बॉडी में हीट और वाटर का कंटेंट है, वो क्या होगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर आपकी हीट जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज और यहाँ तक कि आपकी बॉडी का फीवर भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या करना चाहिए हमें, उसकी वजह से हमें करना ये चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर हमें पहले जो एक्सरसाइज की, अब उसके बाद हमें अपने आप को कूल करना चाहिए। थोड़ी देर बैठो हवा में, थोड़ी देर रिलैक्स करो अपनी बॉडी को, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करो, अपने आप को शांत करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपको फीवर नहीं होगा और आपकी बॉडी जो है वो हीट का इक्विलिब्रियम, यानी कि आपको जो हीट है वो बाहर जाएगी, कूल पार्टिकल्स अंदर आएंगे। रिलैक्स डाउन, रिलैक्स डाउन, रिलैक्स डाउन। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है कूल डाउन हो जाएगी। अब क्या करने, अब आपको सीधा घर जाकर एसी में बैठ जाने, बिल्कुल गलत। आप कहोगे बार बार गलत गलत क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ को बताना चाहता हूँ जो आप अपनी लाइफ में गलत करते आ रहे हो। और अब तक मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि अगर आप कहीं भी गलती कर रहे थे आप उसे सुधारो, और अगर आपकी हर एक गलती भी निकलती है ना, परेशान में कोई जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी में थोड़ा सा चेंज लाओ, अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ लाओ, अपनी बॉडी के अंदर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चेंजेस लेके आओ, और देखना आपकी बॉडी कितनी हेल्पफुल और कितनी जल्द एक्टिव हो जाएगी, और कितनी जल्द आपकी बॉडी में जो डिसीजेज हो रहे थे उसमें कितना 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 चेंज आ जाएगा। आप खुद देखोगे कि आपकी बॉडी पहले चल भी नहीं पा रही थी, अब देखना कितनी एक्टिव हो जाएगी, कि आपकी बॉडी घूम फिर भी पाएगी, ठीक है। आपके बॉडी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, फिक्र मत करना, ठीक है। एक्सरसाइज की वजह से अगर आप कूल डाउन नहीं करोगे एक्सरसाइज के बाद, तो आपकी हीट जनरेशन की वजह से आपके ऑर्गेनाइज वीक हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फीवर भी हो सकता है, ठीक है। आप सबसे बड़ी गलती जो हम क्या करते हैं, हम घर जाते हैं एसी में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ गए, अब क्या कर लिया, एसी की जो हीट है वो, यानी कि एसी की जो कूलिंग है वो हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करेगी, एकदम से हमारी बॉडी से हीट खींचेगी, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स को एक कोल्ड हीट शॉक लगेगा, है ना, कोल्ड स्लैश हीट शॉक लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और एक शॉक की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो वीक होके उसे भी हमारे पैथोजन अटैक करेंगे, और पैथोजन जो हमारी बॉडी में चिपके हुए हैं वो अटैक करेंगे हमारे ऊपर, और हम क्या हो जाएंगे, बीमार, फिर खाते रहो दवाइयाँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, आप आओ थोड़ी देर फैन में बैठ जाओ, एसी मत चलाओ, फैन में बैठो थोड़ी देर, अपने आप को रिलैक्स करो, कूल करो, जब आप पसीना सुखा लो, पसीना सूख जाए फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद शांति से पानी पियो। हम सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि हम आते ही पानी पी लेते हैं, और वो भी चिल्ड, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये भी ऐसे काम करता है। आपको कोई भी अपने बॉडी को हीट ना लूज नहीं करने दे रही, धीरे धीरे अपने बॉडी को मेंटेन लेके आओ, अपनी बॉडी को कूल करो धीरे धीरे। उसे होगा क्या, उसे होगा ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम बैलेंस है, होमियोस्टैटिक बैलेंस है, होमियोस्टैसिस मतलब आपका टेम्परेचर, अगर गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है, अगर सर्दी होती है तो आपको शिवरिंग यानी कि ठंड लगती है, तो ठंड क्यों लगती है, आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ शिवरिंग और स्वेटिंग इसी वजह से होती है। आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऐसा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस भी उसके ऊपर एक मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टैटिक बैलेंस और टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, अगर हम उस डायरेक्ट एसी में बैठ जाए, ठंडा पानी पी ले, या फिर ठंडे पानी से नहा ले, या फिर गर्म पानी से भी नहा ले, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत हद तक हीट इम्बैलेंस, टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, और उस टेम्परेचर इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी एक और शॉक लगेगी, एक शॉक के साथ सफर करेगी, और उस शॉक की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर फीवर एंड डिसऑर्डर के शिकार हो जाएगी। प्रॉपर क्यों कह रहा हूँ मैं,
क्योंकि बहुत पैथोजन ऐसे हैं हमारे नेचर में जो हमारे इम्यून सिस्टम का वीक होने का इंतजार करते हैं, जो कि हमें अफेक्ट करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमें बेसिकली वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है परेशानियाँ होती है। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है और आपकी बॉडी को एज मच एज टाइम दो। यानी कि आप 6 बजे एक्टिव एक्सरसाइज करके आ रहे हो और 12 बजे तक नहाने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा बैठो, 7 बजे नहाने चले जाओ, जहाँ आपको लगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, थकान उतर चुकी है, तो आप नहाने चले जाओ। ठीक है, आपको बस एकदम से नहाने जाना, उससे आपकी बॉडी को एक टेम्परेचर हीट शॉक लगता है। आप कभी अपने एंसेस्टर से पूछना, आपके एंसेस्टर्स आपसे ज़्यादा, ऐसे नहीं कि आपको मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, बट आपके एंसेस्टर्स आप भी मानोगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट थे, मेरे एंसेस्टर मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट थे, तभी तो वो लंबा जीते थे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी है कि हम बिल्कुल भी नहीं जी पाते, यानी कि 60-80 बस मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखते अपना, ज़रा सा भी अपने फूड का ख्याल नहीं रखते, ज़रा सा भी अपने एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर इम्बैलेंस मेंटेनेंस और हमारी रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं हो पाती। एक तो इम्प्रॉपर बैलेंस हो जाता है, एक तो रिपेयरिंग नहीं हो पाती और एक मेंटेनेंस नहीं हो पाती। हमारी बॉडी भी एक ऐसी चीज़ है जिसे मेंटेनेंस की जरूरत है। थकान हो रही है, नहीं ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। अब आप क्या करें, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। आप बताइए अपने आप को कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस से जाने के लिए बने होते ना, तो आप तब तक ऑफिस से चले गए होते। आप बहुत कुछ करने के लिए बने हैं, आपको बस अपने आप झांक के देखना है, अपने आप को देखना है, आप कौन सी हॉबीज परफॉर्म कर सकते हो, कैसी हॉबीज परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करें टीथ को ब्रश न करना, काफी होंगे ऐसे जो ब्रश नहीं करते होंगे टीथ को। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं सिंपल बताता हूँ, अगर टीथ को ब्रश न करे तो। अब आप कहोगे हम तो सिर्फ 1-2 दिन ब्रश नहीं करते, सही बात है, कुछ गलत नहीं है, मैं आपको ताना नहीं मार रहा। अगर आप 1-2 दिन ब्रश नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप हर रोज ही ब्रश नहीं करते फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर ना चौथी इनामल नाम की लेयर होती है हमारे दांतों में, जो कि हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडिक कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। हमारे माउथ में कम से कम इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे स्विमिंग पूल क्या पूरी धरती को बदल दें, जिसकी वजह से क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या करें अगर हम ब्रश करते हैं तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे ना जो दांत की कैविटीज होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कैविटी मतलब जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं आपके उसमें दांतों में, उसकी वजह से आपके जो वो एसिडिक कंटेंट यानी कि आपको जो खाना है ना वो अंदर फंस जाते हैं, और उस फंसने की वजह से वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो उस खाने को ईट कर लेते हैं, और ईट करने की वजह से जो टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं ना वो एक्सक्रीट करते हैं आपके दांतों पर, और उस दांतों को एक्सक्रीट करने की वजह से आपके दांतों की चौथी इनामल लेयर है ना, जो हार्डेस्ट लेयर है वो बेसिकली ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने की वजह से क्या होता है आपके जो आवक होगी हार्डेस्ट लेयर और एकदम से ब्रेक होगी। हार्डेस्ट लेयर है लेकिन वो टॉक्सिक मटेरियल ऐसा होता है जो इतना हार्मफुल होता है कि बार बार सेक्रेट करने के बाद आपकी जो टीथ है ना वो धीरे धीरे आप टूटने लग जाती है और आपको टूट डिके हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रश करने की, ब्रश करने से जो एसिड बनता है उस एसिडिक कंटेंट को बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्ट हमारा सलाइवा मेंटेनेंस, हमारे पीएच मेंटेनेंस और हमारी बॉडी को सॉल्ट में मेंटेन में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो पानी के कॉन्टैक्ट में आने से फ्रेशन आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे बाहर स्प्लैश हो जाते हैं। बाहर जब हम थूकते हैं तो सारे के सारे बाहर स्प्लैश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल जर्म फ्री रहती है, डिसीज फ्री रहती है, और हमारी बॉडी जो है काम डाउन रहती है। हमारे सलाइवा का पीएच मेंटेनेंस भी बैलेंस रहता है, पीएच भी मेंटेन रहता है, और तो और सही बात कहूँ तो सलाइवा ही हमारी बॉडी का इतना बेनिफिशियल पार्ट है कि अगर हम रोज ब्रश करें। अब आपको रोज भी ब्रश नहीं करना चाहिए। देखो बहुत कम भी ब्रश मत करो, बहुत ज़्यादा भी ब्रश मत करो, उससे होगा क्या, बहुत ज़्यादा ब्रश करने से हमारे जो चौथी इनामल लेयर है वो हमारे बेस के कॉन्टैक्ट में आने से ही ब्रेक होने लग जाती है, और जो हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं ना हमारे दांतों पे, उस मैकेनिकल फोर्स से हमारे जो दांतों के अंदर कैविटीज है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाती है, और हमारे जो बैक्टीरिया असेंशियल बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरिया है जो हमारे जो फूड को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने की हेल्प करते हैं वो भी डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो दांतों में ना जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए कोई होता नहीं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ डीके, बोन डीके भी होता है। अब बोन डीके कैसे होगा, हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं ना उनके ना फ्लोराइड आयन होते हैं, फ्लोराइड आयन जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो वो इतने नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि वो हमारी बॉडी में जो H2O है उसे ब्रेक करके HF बना देते हैं, और वो H नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, वो HF ना हमारी बॉडी में बोन के ऊपर डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है और हमारे डीके होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बोन को खराब करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी कभी भी टूथपेस्ट को निकलना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ बड़े भी जो गलती से है ना टूथपेस्ट को निकल जाते हैं, निकलना नहीं होता, उससे हमारी जो टूथ जो बोन्स होती है ना वो डीके होनी शुरू होती है, डीके मतलब खराब होनी शुरू होती है, टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स है वो भी वीक हो जाएंगी, और अगर हम बिल्कुल भी ब्रश नहीं करेंगे
तो उसमें हमारे जो टीथ है वो भी ब्रेक हो जाएंगे, जिससे हमें काफी हद तक डेंटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जिसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, टूथ की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो ओडोंटोलॉजिकल इन्फेक्शन होती है, डेंटल इन्फेक्शन होती है, उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। और फिर वो टूथ कैप, रूट कैप, होने जाने कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स बता देते हैं, क्योंकि हमें वो होती है। मैं ये नहीं कह रहा हर बार वो सही होते हैं, बट जब हमें वो होती है ना, वो होती है हमारी लापरवाही की वजह से है, तो आपकी लापरवाही का नतीजा ही आपको हार्म कर सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नॉट बाथिंग, बात नहीं करता, कोई नहाता नहीं, हमें नहाना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? आपकी बॉडी जब नहाएगी ना, तो आपको ना हमेशा ध्यान रखना है, सर्दियों में हमेशा गर्म पानी में नहाना चाहिए और गर्मियों में हमेशा सर्दी पानी में नहाना चाहिए। और आप कहोगे कि हम तो सर्दियों में भी सर्दी में नहा सकते हैं, ठंडे पानी में नहा सकते हैं, बिल्कुल नहाइए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप नहाओ या नहाओ पूरा दिन नहाओ। मैं ये कहता हूँ कि देखो, जैसे मैंने टीथ में बताया ना आपको कि टीथ को आप ब्रश करो तो इतना ज्यादा भी मत करो कि वो आपको इफेक्ट करने लग जाए, और इतना कम भी मत करो कि वो आपको खराब कर, आपके दांतों को खराब करने लग जाए। बस वैसे ही आप इतना ज्यादा भी मत नहाओ कि आपके बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया है, यूजफुल ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग हार्मफुल बैक्टीरिया से, उससे क्या करते हैं वो बचाते हैं। लेकिन आप इतना भी ज्यादा मत नहाओ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है वो ही डेड हो जाए, और इतना कम भी मत नहाओ कि जो बैड बैक्टीरिया है वो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिविटी इन द सेंस जितना भी आप डेड स्किन सेल्स होते हैं, जितना भी स्वेट होता है, जितना भी ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया को और एनहेंस करें और बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या है गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाए। इसलिए क्या करो, हमेशा क्या करो, आप नहाओ लेकिन एक बार आप फ्रेशन अप हो जाए करो। जापानीज की टेक्निक है, जो क्या करते हैं अगर वो सुबह नहीं नहा पाते ना, तो शाम को नहा लेते हैं, और सुबह फिर वैसे कपड़े पाके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, शाम को नहा लो और फिर सुबह क्या है कपड़े पाके चले जाओ, ऐसे ही करो। सुबह नहीं होता ना टाइम, सुबह सुबह जल्दी उठो, स्कूल का टाइम होता है, नहीं नहाया जाता, शाम को अगर नहा लिया करो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, वरना आधा घंटा, वरना 1 घंटा लगा के चलो, लेकिन आपको वो टाइम तो लगेगा ना, जर्म फ्री और इन्फेक्शन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी एक गलती की वजह से आपके बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी रिफ्लेक्सेस को वीकनेस आएगी, आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन आएंगी, और आपकी बॉडी के अंदर स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। डर्मेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ द स्किन, तो हमारी बॉडी के अंदर डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन होंगी, हमारी स्किन रैशेज, स्किन एक्निया, और हमारी बॉडी पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्किन फंगस हो सकती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इफेक्ट होगी आपको, अभी तक तो हमें कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगी ना। तो इसकी वजह से आप क्या करो, आपकी बॉडी में पॉल्यूशन होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, स्वेट होता है, किसको नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। एक शावर के नीचे खड़े हो जाओगे या फिर बाल्टी से नहा लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी आप नहाने जाओ ना, और जल्दी जल्दी आप अपना काम करो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स और हेल्दी रख सको, क्योंकि घर से पहले आपका शरीर मंदिर है, और इसी एक साफ शरीर में एक साफ आत्मा निवास करती है। तो याद रखना कि अपनी बॉडी को मंदिर और अपने सोल को अपने प्रभु जी समझो, और जब तक आप नहाओगे नहीं आपके बॉडी को रिलैक्सनेस नहीं मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, अब आपको कोई हेयर ड्राई करते हैं, हम तो हेयर ड्राई भी रोज रोज नहीं करना चाहिए। हेयर ड्राई करने से क्या होता है, हेयर ड्राई हमारी बॉडी पर गर्म हवा फेंकता है, गर्म हवा फेंकने से क्या होता है, हमारी जो ये स्किन होती है ना, ये स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्ड हो जाती है, रिंकल्ड मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लूज होने लग जाती है, और लूज होने की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी डेड होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ जाती है, हमारी बॉडी पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो वो लाइक नर्व्स होती है हमारी बॉडी में वो वीक होने शुरू हो जाती है, और क्या कह सकते हैं कि कुछ भी कि बेसिकली जो हमारे हीट पार्टिकल से हमारा टेम्परेचर बैलेंस कर सकता है। तो अब क्योंकि एक दो दिन में ना करें, करो थोड़ा सा करो, लेकिन ज़्यादा मत करो, उससे ज़्यादा करने से क्या होता है आपकी हेयर फॉल शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ रुक जाएगी, और आपको ज़्यादा हेयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, इसकी वजह से आपको भी सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, आपको हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, गेट रेडी अंडर एसी, ये बहुत गलत बात है जो हम करते हैं। आप क्या करते हो, कपड़े हम अब नहा के आ जाते हो, कपड़े एसी के नीचे पाते हो, क्यों? जब आपके बॉडी से आप नहा के आए हो ना, तो डिफरेंट जो एयर पार्टिकल्स और जितने भी वाटर पार्टिकल्स आपके बॉडी पे होते हैं, उससे ना जो डिफरेंट हॉट पार्टिकल्स होते हैं आपके बॉडी में, आपके एनवायरमेंट में, वो क्या करते हैं अपनी हीट आपको दे देते हैं, आपको जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट करने की वजह से आपकी जो बॉडी का हीट होता है ना वो फिर से इम्बैलेंस हो जाती है। इम्बैलेंस होने की वजह से एसी को फिर चलाओगे, फिर वैसी बात हो जाएगी, एसी से आपकी हीट आएगी और आप ठंडे हो जाओगे, आपकी बॉडी को शॉक रहेगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी फीवर को कैच करेगी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी वीक कर जाएगी, आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा,
आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, एक सर्टेन पित्त इम्बेलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकती हैं। डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन तो बहुत कम होती है, लेकिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी थर्मो रेगुलेटर प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बॉडी में थर्मो रेगुलेशन नहीं होगी, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन मतलब कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। पंखे में करो, कुछ भी करो, एसी में मत करो। एसी क्या करता है ना, हमारे बॉडी में ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी कंटेंट हमारी बॉडी में डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे रूम में डालता है या फिर हमारे जहाँ पे भी चलाया हुआ वहाँ पे डालता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक सफ़र करती है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट ऑन बेड। आपको ब्रेकफास्ट ऑन बेड चाहिए, मतलब बेड पे बैठे बैठे खाना मिल जाए, बेड पे बैठे बैठे पानी मिल जाए। ये सबसे गलत बात है, क्यों? क्योंकि जब हम चेयर पे बैठते हैं ना, तो चेयर पे बैठने से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी बिल्कुल रिलैक्स रहता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी बिल्कुल रिलैक्स रहती है, और हमारी जो स्ट्रेट रहती है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ग्रेविटी को सपोर्ट करता है, मतलब ग्रेविटी के लिए ऐसे ऐसे हम बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं ना हम, ये देखो ऐसे बैठे हैं ना हम, तो ऐसे बैठने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उस पर ग्रेविटी भी हेल्प करती है प्रॉपर न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन में, और प्रॉपर लाइक वेट बैलेंस में, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशनल बैलेंस हो रहा होता है उसे मेंटेन करती है, और तो और हमारी बॉडी में बॉवल मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती है। बॉवल मूवमेंट्स मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट्स, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता रखा है, आप एक बार जाकर वो वीडियो चेकआउट जरूर करना, ठीक है। मैं आपको हर एक बार बता दूंगा कि आपको कब कब कैसे कैसे क्या करना है, आप बस करके तो देखो कमेंट। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी मेरे अंदर प्रॉब्लम दिख रही है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ या फिर कुछ, तो प्लीज़ ट्राई करना कि मेरे को बता देना एक कमेंट के थ्रू ना, जिसकी वजह से मैं ना उसे करेक्ट कर पाऊँ। आपको मज़ा आना चाहिए, बस मेरे लिए यही सबसे बेटर है, आपको मज़ा आएगा तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। और आप भी मेरी फैमिली ही हो, मैं आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं चाहता जो आपको हार्मफुल करे, इसलिए जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियाँ पहले की वो मैं गलतियाँ आपको फिर से करने से मतलब फिर से करने दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको गलतियाँ नहीं करने दूंगा। आप जब तक इस चैनल पे हो, जब तक यहाँ लाइफ टाइम इस चैनल पे हो, आप ही का चैनल है, आप प्लीज़ इसे सपोर्ट करो, और तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहो। मैं आपको हर बार एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी वीडियो डालूंगा, ताकि आपकी बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट हो वो चेंज हो जाए। आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, मेडिसिन नहीं खानी। आपको एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है लेकिन आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते, एक्सरसाइज करने का मन करेगा तब भी कर पाओगे, मैं आपकी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, बना चुका हूँ। आपको खाना खाने का मन कर रहा है पर आपको डॉक्टर ने खाना खाने से मना किया है, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप खाना भी खा सको और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। तो आप बस करो तो सही, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब तो करो, आप हर इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो और मैं भी आपकी फैमिली हूँ, तो एक बार आपको मज़ा बहुत आएगा। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेड पे बैठने से क्या होता है ना, बेड के एक सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉवल मूवमेंट्स होती है वो भी अफेक्ट करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट्स होती है वो भी अफेक्ट होती है, हमारे जो एसिडिक मूवमेंट होती है, एसिडिक जो सेक्रेशन होती है वो भी इम्बेलेंस होती है, जो सेक्रेशन होती है वो भी इम्बेलेंस होती है। सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन और एंजाइमेटिक सेक्रेशन होती है ना, वो भी बहुत हद तक अफेक्ट होती है। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत हद तक सफर करती है। मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि आपकी बॉडी भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट के कारण भी हम ही बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ही प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है और हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें तो खाना के बीच में पानी चाहिए, है ना, खाने की जो पानी चाहिए, क्यों चाहिए? खाना जब हम खा रहे होते हैं ना, तो हमारा खाना जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉट एयर पार्टिकल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। जो डाइजेशन होती है, मैं आपको बता दूँ, रेस्पिरेशन डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो कि एक्सोथर्मिक के बारे में जानता है उस जल्दी जल्दी कमेंट करो और लाइक करो इस वीडियो को। तब तक के लिए जो नहीं जानता वो भी जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं जो आप बताऊंगा उसे कमेंट करना फिर से, ताकि आपको याद हो जाए। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सो मीन्स एग्जिट और थर्मिक मीन्स हीट, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और एंडोथर्मिक मतलब एंडो मतलब एंटर और थर्मिक मीन्स हीट, जिसमें लगती है हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात कर रहे थे हम डाइजेशन की, डाइजेशन और रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हीट जनरेट करता है, लेकिन हमारे पित्त इंबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से। क्या होता है पित्त इंबैलेंस, कैसे होगा, पानी पियेंगे या फिर कोई भी लिक्विड पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या फिर कोई भी चीज़ पियेंगे लिक्विड, उससे क्या होगा, लस्सी के अलावा लस्सी पी सकते हो, लेकिन जैसे ही आप कोई भी लिक्विड पीते हो ना, तो उस लिक्विड की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर ना आपके जो होटे पार्टिकल्स हैं उन पर जो लिक्विड कंटेंट होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, आपको पित्त इंबैलेंस हो जाता है और आपकी बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिन बन जाते हैं,
और टॉक्सिक बनने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है और आपकी बॉडी जो है पित्त इम्बेलेंस की वजह से, पीएच इम्बेलेंस की वजह से यहाँ तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सफर करती है, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, न्यूजिया, वोमिटिंग, इन्फेक्शन, यहाँ तक कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन, जो कि आपकी बॉडी को आगे जाके लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकती है। इसलिए खाने के बीच कभी भी पानी मत पियो, कुछ खाने का खा लो लेकिन लस्सी पी लो, लेकिन आप कभी भी खाना मत, सॉरी खाने के बीच पानी मत पियो। और सबसे बड़ी बात, मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल मत करो। अब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लैपटॉप भी चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोन भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई वीडियो गेम भी खेल रहा हूँ, गलत बात है। कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग मतलब आप 15 टास्क पे या फिर अलग अलग टास्क पे अपना ध्यान दे रहे हो एक साथ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है, हमारा माइंड जो है वो एक टास्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिससे मिस्टेक्स की चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम्स कैसी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉब्लम्स, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो वीक हो जाते हैं। आपको पिंच भी करूंगा ना, आपको दर्द भी एक हल्के से सेकंड के बाद होगा, क्योंकि आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो वीक हो गए हैं। आपको कोई भी दर्द होगा, आपको कोई भी याददाश्त होगी, मेमोरी लॉस, आपकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस हैं यानी कि एक्ट करने की क्षमता, कि आप एक्ट कर रहे हो तो वो एक्ट करने की क्षमता वीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ठीक से सिग्नल नहीं मिलेंगे, और सिग्नल ना मिलने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी अफेक्ट होगी, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अफेक्ट होगी। इसलिए मल्टीटास्किंग कभी मत करो, ट्राई करो कि एक टाइम पे एक ही काम करो। मैं देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं चला रहा, मैं कभी भी कोई काम नहीं कर रहा, ये देखो कुछ खाने का पड़ा है, मैं अभी तक नहीं खा रहा इसे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम करो, सो दैट कि आपकी बॉडी उस काम पे प्रॉपरली काम करे और आपकी बॉडी है हेल्दी भी रहे, रिलैक्स भी रहे, न्यूट्रिशनेबल। सबसे ज्यादा बड़ी बात, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज अफेक्ट होगी ना, तो आपको लॉन्ग टर्म तो क्या शॉर्ट टर्म में भी बहुत अफेक्ट होगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डॉक्टर के पास जाने में भी मुश्किल से सर्जरी के थ्रू ठीक होती है। इसलिए आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखो और रिलैक्स रखो। रिलैक्स मतलब रिलैक्स होकर सो, जल्दी सो, जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छा खाओ। अब अच्छा खाने के बाद क्या होता है, अपोजिट बताओ इसका, जंक फूड। जंक फूड बहुत गंदी चीज़ है। आप खाते हो ना जंक फूड वगैरह, चाउमीन, बर्गर, मैगी, ये पास्ता, पिज्ज़ा, ये बहुत खराब चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्मफुल केमिकल या फिर एक हार्मफुल टॉक्सिन, जिसे हम बोलते हैं ROS, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, निकलती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर तब सेक्रेट होती है जब हम कुछ जंक फूड खाते हैं। हेल्दी फूड के अंदर वो नहीं निकलती। हेल्दी फूड के अंदर आपको कैसे पता है हेल्दी है कि वो नहीं है? हेल्दी फूड के अंदर वो बहुत कम अमाउंट में निकलती है। अब ये चीज़ है क्या? ये चीज़ है ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं ना, तो जो भी उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, वो क्या करता है, उसके अंदर ROS सिक्रेट होता है, और ROS सिक्रेट होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर ROS डिपोजिशन हो जाती है, और ROS डिपोजिशन की वजह से ऑक्सीजन फेलियर, ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन प्रोलिफरेशन, एज वेल एज ऑर्गन रीजनरेशन कैपेसिटी भी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ ऑर्गन रीजनरेशन कैपेसिटी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक लॉन्ग टर्म में सफ़र करेगी, आपकी डेथ भी हो सकती है, आप क्रिटिकल केसेस से सफ़र करोगे, आपको डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हद तक कैंसर जैसे चांसेस भी बढ़ सकते हैं, और आपकी बॉडी में ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डेली लाइफ में क्या क्या ऐसी गलती करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या जंक फूड एक बार भी ना खाओ, खाओ, एक्सरसाइज भी करो, आप अपना न्यूट्रिशन भी लो, हेल्दी न्यूट्रिशन लो, ठीक है, जिससे क्या हो, आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। खाना खाते ही एकदम से मत उठो। आपकी गलती क्या है, खाना खाई और एकदम से उठ गए। खाना खाने के एकदम से उठने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी पे, खाना खाने के बीच में मत उठो, खाना खाने के बाद मत उठो, खाना खाने के 5-10 मिनट बाद तो उठो ही मत, ठीक है। खाना खाने के 5-10 मिनट तक तो उठो ही मत। उससे क्या होता है, आपने खाना खाया, आपके अंदर एंजाइमेटिक सिक्रेशन हो रही है, एसिडिक सिक्रेशन हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर पीएच लेवल मेंटेन रहे, लेकिन जैसे आप खड़े होते हो ना, तो आपकी बॉडी एकदम से एनर्जी रिलीज करती है, एकदम से एनर्जी बन भी रही है और एनर्जी यूज भी हो रही है, तो आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता, पित्ता इम्बेलेंस हो जाता है। अब पित्ता हमारी श्वसन से मोस्टली रिलेटेड होता है, जो कि हीट और एयर को बैलेंस करता है, वाटर को बैलेंस करता है। और तो और आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन रिफ्लेक्स होता है, जो कि एक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और उस ऑक्सीजन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जहाँ वो एंजाइमेटिक सिक्रेशन होती है उससे हमारी बॉडी फिट रहती है, पर जहाँ हम एकदम से खड़े हो गए हमारे एंजाइमेटिक सिक्रेशन इम्बेलेंस हो जाएगी, आपके ऑर्गन्स पर इफेक्ट आएगा, वो जो एंजाइम सेक्रेट हो रहे हैं वो बैकफायर भी कर सकते हैं, आपके ऑर्गन्स भी सेक्रेट हो सकते हैं, आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को डैमेज करके ट्यूमर्स बना सकते हैं। इसलिए आपको खाना खाने के बाद तो 5-10 मिनट बाद तो उठो ही मत, 5-10 मिनट तो मैक्सिमम, और अगर आपको 5 मिनट में कहीं जाना है ना, आप
हल्के से सांस लो और खाना खाने के 15 से आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। पानी तो तभी मत पियो जब तक 10 मिनट बाद तक पी लो, 15 मिनट बाद तक पी लो, आधे घंटे बाद तक पी लो, लेकिन पानी हमें खाने के बीच में कभी नहीं पीना चाहिए। अभी अभी मैं खाना खा के उठा हूँ, मैंने अब तक पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि खाना खाने के, या तो आप पहले पानी पी लो या बाद में पानी पी लो, खाना खाने के 15 से आधे घंटे पहले पानी पी लो या फिर खाना खाने के 15 से आधे घंटे बाद पानी पियो। उससे होता क्या है, जो हमने फूड खाया है उससे क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी लिक्विड पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं और वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमें मोटा करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप एसिडिक इम्बेलेंस होता है और हमारी बॉडी क्या है, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होती है। डिहाइड्रेशन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ठीक से खाना ना खाना, खाना तो खा लेना लेकिन पानी ना पीना। आप गर्मी है सर्दी है पानी नहीं पीते टाइम टू टाइम, उससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कैपेसिटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो मेलानोसाइट्स है वो सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो यहाँ पर डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट करती है और वो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से जो वाटर पार्टिकल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सनलाइट की रेडिएशन में। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रॉपर उन्हें पानी नहीं पीते तो उससे हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक डिहाइड्रेशन और मेलानोसाइट सिक्रीशन, मेलानिन डिपोजिशन, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, हमारी यूरिन कंसनट्रेशन, हमारी ब्लड कंसनट्रेशन इससे अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट होती है। देखो इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, आपको मैं यही बता सकता हूँ कि हर एक चीज में आपको क्या क्या डिसीज हो सकता है और आपकी बॉडी किस तरह से अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ईटिंग स्वीट्स, हमें तो मीठा बहुत पसंद है, हम तो मीठा खाते ही खाते हैं, तीनों टाइम मीठा चाहिए, चौथे चारों टाइम मीठा चाहिए, वो भी डबल क्वांटिटी में। क्यों? मीठा खाने से आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको पता है डायबिटीज हो सकती है, इसमें नया क्या है? डायबिटीज क्यों होगी ये तो पता नहीं ना, पता है ये भी पता है, बिल्कुल पता है। अब डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है ये भी पता है, बिल्कुल पता है, मेडिसिन के साथ हो सकती है। नहीं, डायबिटीज मेडिसिन के बिना भी हो सकती है, मेडिसिन और एक्सरसाइज के बिना भी डायबिटीज क्योर कर सकती है। जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, जाके मेरे चैनल पर टाइप करो, यूट्यूब पर टाइप करो डायबिटीज का ट्रीटमेंट बिना मेडिसिन के बाय दीपक अग्रवाल, आपको सबसे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे डायबिटीज की फोटो लगी हुई होगी और वहाँ पे लिखा होगा बाय दीपक अग्रवाल, एक बार जाके उसे देखो, पूरी वीडियो देखना, समझ में आएगा आपको कि आपको कितना इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर रहे थे अपनी लाइफ का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि आप मीठा खाने से आपकी बॉडी के अंदर ना एक फैटी एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से आपको जो लीवर है वो फैट होता है और आपको जो पैनक्रियाज है उससे फैट डिपोजिशन होती है, फैट डिपोजिशन होने की वजह से जो आपके अल्फा सेल ऑफ लैंगर हैं और बीटा सेल ऑफ लैंगर हैं जो आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी का आपके ग्लूकागोन लेवल को इंक्रीज करते हैं, आपके इंसुलिन लेवल को डिक्रीज करते हैं, आपकी हार्मोनल इंबैलेंस को सेक्रिएट करते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होता है ना, हार्मोन्स को वो सेक्रिएट नहीं करते देते ठीक से, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर बहुत हद तक सेक्रेट हुआ तो उससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हुई तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागोन हुई तो डायबिटीज इंसिपाइटिस हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है ना, डायबिटीज मेलिटस में मोस्टली आज सारे पेशेंट सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो राइज करता रहता है, और राइज करने की वजह से क्या होता है, हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें आर्टिफिशियली अपने इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखे। तभी हमें इंसुलिन लेने के बाद क्या करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, खाना देते हैं, शुगर ही नहीं देते लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो देते हैं, शुगर के हमारा हार्मोनल इंबैलेंस ना हो, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो एकदम से डिक्रीज ना करे, धीरे धीरे डिक्रीज करे, और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और रिलैक्स रहे। रिलैक्स करने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है पॉजिटिव रहे, खुश रहे, अच्छी रहे और खुश रहे, ठीक है, पॉजिटिव रहे। अब मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि डायबिटीज मेलिटस तो हो गया, डायबिटीज इंसिपाइटिस भी होता है, जिसमें हमारा ग्लूकागोन सेक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, ग्लूकागोन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा होता है, हमारे लो बी लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, शुगर लो हो जाती है ना जिसकी, उससे क्या होता है हम ग्लूकागोन के वो देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर पाती है और हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और हेल्दी रहती है विद अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है, सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर सबसे बड़ा कारण है कि हम जॉब में काम करते हैं, हम ये सब करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ काम है जो हम सनलाइट में खड़े रहते हैं। तो देखो ऐसा है, अगर आप सनलाइट में खड़े रहते हो तो आप कुछ ऐसा प्रिकॉशंस ले सकते हो, कैप पालो, अम्ब्रेला ले लो, आपके बॉडी में जो वो स्लिम बेड्स आती हैं वो
जो आपको ठंडा रखती है वो पालो, जिससे आपकी बॉडी जो है वो इतनी हद तक अफेक्ट तो ना हो। उससे होता क्या है, जो यूवी रेडिएशन हमारी बॉडी से स्ट्राइक करती है तो वो जो डिफरेंट थर्मल रेगुलेशन रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे ब्लड को या फिर हमारे जो बॉडी को यहाँ ब्रेन है उसे सिग्नलाइज करते हैं कि हमारी बॉडी को मिलानोसाइट सिक्रीट करते हैं, ताकि हमारे मिलानोसाइट जो हैं वो ऐसे डेड स्किन सेल्स होते हैं, मेलानिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारे पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और तो और ऐसे सेल्स जो कि हमारे जो यूवी रेडिएशन है उससे हमें प्रोटेक्ट करे, वो हमारे अपर लेयर पे सेक्रेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी अपर स्किन लेयर काफ़ी ज़्यादा क्या लगती है, एपिडर्मिस काफ़ी हद तक क्या करती है काली दिखती है। लेकिन हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय 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 अप्लाइंग वाटर, बाय बाथिंग, बाय प्रिवेंटिंग इट टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, जिससे हमें टैनिंग हो सकती है, स्किन डैमेज भी हो सकते हैं, स्किन रैशेज, स्किन एक्निया, एक्निया इन द सेंस स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं ना, वो भी हो सकता है, हमारे स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि आपके पिगमेंट्स हो जाएगी, यानी कि आपकी स्किन ज़्यादा काली हो जाएगी या फिर आपकी बॉडी सांवली होने लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हद तक है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जस्ट कि आपकी पूरी डेली लाइफ में आप क्या क्या गलती करते हो जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब सिटिंग इन वन प्लेस, अब आप पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहते हो, उसे होता क्या है, उसे होता ये है कि आपके पोस्चर में डिफॉर्मिटी आती है, आप जब एक ही जगह पर बैठे रहते हो तो उससे आपकी बॉडी ज़्यादा मूव नहीं करती, इसकी वजह से आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपकी मसल में ग्रोथ भी बहुत कम होती है, आपकी बॉडी में ग्रोथ कम होती है, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है वो भी डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे ना, तो मूव करने से आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। प्रोड्यूस कैसे होती है, जब आपके अंदर डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, और रेस्पिरेशन क्यों होती है, रेस्पिरेशन देखो मैंने सच कहा, नाइट में डाइजेशन होती है लेकिन दिन में रेस्पिरेशन होती है। नाइट में डाइजेशन मतलब वो बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, और रेस्पिरेशन से छोटे छोटे पार्टिकल्स केमिकल एनर्जी को ATP एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। रेस्पिरेशन होगी तभी तो हमारे अंदर एनर्जी बनेगी, लेकिन आप दिन भर चल नहीं रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे, हाँ तो काम कर रहे हैं, हम तो वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं, हम तो पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी चल तो नहीं रही ना, आपकी बॉडी एक ही जगह बैठी हुई है तो आपकी पोस्चर डिफॉर्मिटी होगी, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफॉर्मिटी आएगी, आपकी वो लाइक कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी काफ़ी हद तक क्या करती है, काफ़ी हद तक आपकी बॉडी डिफॉर्मल हो जाती है, आपको आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आपकी बॉडी में ऑस्टियोइड प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोइड मतलब बोन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बस यही बताना चाहता हूँ मैं आपको मेनली कि आप क्या क्या गलतियाँ करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, भले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आप थोड़ी सी वीडियो देखोगे ना समझोगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मैं बहुत कंटेंट इकट्ठा करके लेके आता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर अमाउंट पे डाल सकूँ। अब मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको कितना टाइम वेस्ट होगा, पहले एक वीडियो ढूंढोगे, फिर दूसरी वीडियो ढूंढोगे, फिर तीसरी वीडियो ढूंढोगे, उससे क्या होगा मैंने सारी सारी एक ही वीडियो में डाल दी, एक घंटा निकालो। वैसे भी आप खाना खाते हो मत देखना इसे बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया मल्टीटास्किंग मत करना बिल्कुल भी, आप जब भी फ्री हो आप तब देख सकते हो, ठीक है। नहीं देख सकते आप इसको थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, पर इतना भी स्किप मत करना कि सारा कंटेंट निकल जाए। आप इसमें देखो कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, जब भी छुट्टियों के दिन आप फ्री होते हो तब देख सकते हो, जब भी आप ऐसे ही फ्री बैठे होते हो तब देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे देखने से अच्छा है वीडियो गेम्स खेलने से अच्छा है ये कंटेंट देखो जो कि आपको हेल्दी लगे, जो कि आपकी बॉडी को अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, डिलेइंग द सिग्नल ऑफ यूरिनेटिंग एंड यूनिंग, कभी आपको नींद आ रही है लेकिन आप क्या करते हो क्लास में ऐसे क्या रखते हो, मतलब कि आपको नींद आ रही है, आप उबासी नहीं ले सकते, आपको वॉशरूम जाने आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको प्यास लगी है आप पानी नहीं पी रहे, आपको पसीना आ रहा है आप लाइक उसे साफ नहीं कर रहे, उससे होगा क्या कि आपके बॉडी में जो सिग्नलाइजिंग पाथवेज हैं वो बहुत हद तक अफेक्ट होते हैं, और आपके बॉडी के अंदर ना सिग्नल्स को डिले करने की वजह से हमारी बॉडी पे क्या सिग्नल पहुँचते हैं, इट्स ओके टू प्रोकास्टिनेट। हमारी बॉडी में जो है सिग्नल्स डिले होने की वजह से हमारी बॉडी उसको अंदर ही स्टोर करके रखती है, और स्टोर करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, पॉइजनिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक पार्टिकल्स और गैसेज जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो हमारी बॉडी में पीएच लेवल इंबैलेंस कर सकती है, ब्लड सर्कुलेशन पॉइजनिंग कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग कर सकती है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ना वॉशरूम जाना होता है हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हम तो पूरा लेक्चर सुनना है वॉशरूम नहीं जाना क्योंकि हमारी स्टडी चल रही है। ऐसा मत किया करो, आप बीच में वॉशरूम चले जाया करो ताकि आपके वॉशरूम जाने से आपकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट हो जाए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, रिलैक्स रहे, और आपकी बॉडी को क्या हो, जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल या जितने भी कुछ भी है, आपको प्यास लगी आप पानी नहीं पी रहे,
पानी पी लो, उससे आपको बॉडी के अंदर जो वॉटर पार्टिकल्स हैं वो यूटिलाइज होंगे, जिससे आपको डिहाइड्रेशन चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिप्स सूखने लग जाएंगे, आपकी बॉडी सूखने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप प्रॉब्लम को सफर मत किया करो, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला करो और अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन को अमल किया करो। नॉट गिविंग टाइम टू हॉबीज, अब इसके क्या रीज़न है, आप अपने हॉबीज को टाइम नहीं देते, आप अपनी आप कुछ नया ट्राई करते हो ना, लैंग्वेज सीखते हो, साइकिलिंग करते हो, कोई भी चीज़ करते हो जो आपको पसंद है, तो उससे आप क्या करते हैं, आपका ब्रेन एक डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपके रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। आपके इमोशंस अगर आप हॉबीज को परफॉर्म नहीं करते ना, तो आप बहुत सैड रहोगे, अपसेट रहोगे, स्ट्रेस होगा, टायर्डनेस होगी, एंग्जाइटी होगी। लेकिन अगर आप साथ में हॉबीज भी करोगे ना, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, कर लिया करो। दिन में वो करने से ना आपको क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी बॉडी पॉजिटिव रहती है, डोपामाइन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन ऐसे हार्मोन्स आपकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। डोपामाइन लेवल आपकी हैप्पीनेस में, रिलैक्सनेस में हेल्प करता है। आपका सेरोटोनिन हार्मोन आपकी ऑक्सीटोसिन लेवल्स, आपके सेरोटोनिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत हद तक रिलैक्स होके पॉजिटिव रहती है और टायर्डनेस भी नहीं होती। ये नहीं कि आप पूरा दिन थक के आ रहे हो तो भाई मैं थक गया, ऐसा नहीं करता। आपकी बॉडी ना हॉबी परफॉर्म करके रिलैक्स हो जाती है और बहुत एक्टिव हो जाती है आपकी बॉडी। तो आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलने जाया करो, बैडमिंटन खेलना पसंद है, बैडमिंटन। देयर लैक देयर लॉट्स ऑफ हॉबीज यू कैन डू इट। एंड अगर कुछ भी करना पसंद नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप बाहर जाया करो, वॉक किया करो, उसमें भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद देखोगे आपकी बॉडी के अंदर कितना चेंज आ चुका है और आप सच में बहुत अच्छी से इफेक्ट प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम ऑलवेज प्ले करने से, आपने सुना होगा वीडियो गेम प्ले करने से, तो मैंने पढ़ा था कि हमारे रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप जब अपनी बॉडी में कुछ ऐसे काम नहीं कर रहे ना जो अपने मसल्स को, आपके ब्रेन को वो करे, एनहेंस करे, तब तक आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। आपकी वीडियो गेम ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में मस्कुलर डीजनरेशन कर सकती है। आप कैसे कर सकते हो, एक दिन में बैठे बैठे आप एक दिन हाथी हिलाए जा रहे हो ऐसे ऐसे, तो आपके फास्ट मूविंग कैपेसिटी की वजह से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होती है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया, लैक्टिक एक्यूमुलेशन लीड्स टू मस्कुलर डीजनरेशन। आपकी एक ही जगह बैठे बैठे बार बार वीडियो गेम्स खेलने से आपकी आईज थक जाती है, आपके अंदर मस्कुलर टायर्डनेस फटीग आ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन नर्व जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने जाती है, आपकी मेमोरी वीकनेस आने जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आपके अंदर वीकनेस आने लग जाती है, टाइम वेस्टेज होता है। मतलब कितने डिसएडवांटेजेस हैं। एक ही चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर यूजफुल रोल प्ले करती है, वो है आप स्टडी करो। नहीं, मुझे स्टडी करना तो पसंद नहीं है। स्टडी करना पसंद होगा आपको, आता है आपको स्टडी करना, मैं आपको अभी उस पर पॉइंट पर आऊँगा, फिक्र मत करो। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कुछ ऐसा क्या करो जिससे आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं स्ट्रॉन्ग होए। अब हम ऐसा क्या करें, पजल सॉल्व किया करो, ऐसे गेम्स खेला करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे गेम्स खेला करो जो आपके लिए अच्छी है। प्ले आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, क्यों? आउटडोर गेम ना खेलने से आपको फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल फटीग, आपके बॉडी में एक आइसोलेशन रहती है कि आप अंदर ही कैद हुए बैठे हो रूम के अंदर। देखो ऐसा है, आपकी बॉडी बहुत कुछ करने के लिए बनी है और आप बहुत कुछ कर भी सकते हो, लेकिन आप जब तक अपनी बॉडी को फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपनी बॉडी को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करना आना चाहिए और अपनी बॉडी को हेल्दी वे में यूज़ करना आना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, हेल्दी रहे, काम डाउन रहे, सबसे बड़ी बात एक्टिव रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, पढ़ना नहीं है आपको, आपको एग्ज़ाम फियर होता है। ज़रा सिर्फ आपको एग्ज़ाम फियर नहीं है, वो आपके बॉडी में डर है जो आपको परेशान करता है, वो डर है हार का डर। मैं इस पर एक वीडियो कवर कर दूंगा एग्जाम फियर पे। तब तक के लिए बस आप ये जानो कि जब आप पढ़ते नहीं हो ना, आपका वेस्टेज होता है टाइम का, आपको स्ट्रेस आता है, आपको एग्जाम में पढ़ने का मन करता होगा ना कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ें। टू बी वेरी फ्रेंक, मैं भी वैसे ही हूँ, लेकिन सच कहूँ आपको पढ़ना चाहिए। टाइम टू टाइम पढ़ने से आपकी जो मेमोरी है वो एनहेंस होती है, आपके जो मस्कुलर वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो फास्ट होती है। कैसे? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग करेगा, रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग करने से हमारी जो मसल्स को कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वो फास्ट हो जाएगी। वो उससे तो हमने इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेशन कह दिया, मैंने कहा है फास्ट फास्ट मूवमेंट्स करने से, मैंने ये नहीं कहा कि मस्कुलर वे ऑफ मूविंग से, मस्कुलर वे ऑफ एनहांसमेंट से हमारी मसल्स को इफेक्ट होगा। मसल्स फास्ट मूव करेगी, इतनी भी फास्ट नहीं कि इलेक्ट्रिक एसिड बन जाए, लेकिन वो एक हद में रह के काम करेगी, खुश रहेगी, आपकी बॉडी काफ़ी हद तक रिलैक्स रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी में देखो, यही सबसे बार बार कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहेगी, रिलैक्स रहेगी, आपको खुद पता चल जाएगा। आप इसे परफॉर्म करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितने हद तक बैलेंस हो जाएगी और आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी को कितना अच्छा लगेगा जब आप आउटडोर गेम्स खेलोगे, स्टडी करोगे, आपकी बॉडी को मतलब आपकी बॉडी को एक
एक फ्यूल मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, और क्या होगा आपके बॉडी को हेल्प मिलेगी। आपकी बॉडी जिस हेल्प के लिए मांग रही है ना आपसे, जो हेल्प वो मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी खुश रहेगी, हेल्दी रहेगी। आप अगर आगे तो आप जानते ही हो, कमेंट करो ठीक है। ओवर यूज ऑफ फोन, बिल्कुल शाम को आए चल रहे हैं फोन, सुबह से फोन चल रहे हैं, है ना, ये फोन है, सुबह से फोन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं फोन? फोन चलाओ मत। फोन चलाने से क्या होता है, जो उसके हार्मफुल रेडिएशन होती है वो आपके आईज डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके ऑप्टिक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपको चश्मा लगवा सकती है। अरे नहीं, हमारा तो काम ही पढ़ने का है, हमारा तो पूरी क्लासेस फोन पे होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपकी क्लासेस, ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरे दिन क्लासेस लगती है, नहीं नहीं सर, पूरे दिन क्लास लगती है, एक एक घंटे के गैप के बीच में, है ना, एक एक घंटे के गैप के बीच में क्या करो, पढ़े करो, अपने बुक्स खोला करो, अपनी जो हॉबी है उसे परफॉर्म किया करो, और एक्सरसाइज किया करो, वॉक किया करो, बाहर जाके धूप में खड़ा करो। अब आपको कोई धूप तो बहुत गर्मी होती है, तो धूप में मत खड़ो, अपने घर की सैर कर लो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो। अब वो भी तो अकेले रहते होंगे ना, वो उनसे तो कोई बात नहीं करता, नहीं नहीं मेरे साथ मम्मी पापा रहते नहीं, मम्मी टीचर है, पापा बिजनेसमैन है, तो वो घर पे नहीं रहते, ठीक है। आप कोई ऐसी हॉबी तो कर ही सकते हो ना जो आपको हेल्पफुल रहे, या फिर आप यूट्यूब पे आओ, अपने जो पढ़ रहे हो आप वो पढ़ाओ बच्चों को, आप करो कुछ ऐसा काम जो आपको हेल्पफुल लगे, जो ऐसा लगे कि आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप आगे जाके कुछ अच्छे से इंडिपेंडेंसी से कर सको कुछ, ठीक है। तो पढ़ा करो, अपने फोन को ओवर यूज मत करो, अपने फोन को कंस्ट्रक्टिव यूज करो, डिस्ट्रक्टिव यूज मत करो, ठीक है। अपने फोन को ऐसे यूज करो जिससे वो आपको हेल्पफुल रहे। सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं पूरा दिन, सोशल मीडिया चला रहे हैं, क्या रखे हैं सोशल मीडिया में, सुकून, कंफर्ट जोन रखा है ना, सुकून नहीं मिलता आपको इससे, आपको इससे ना दोस्तों में चैट करने में मजा आता है। सच कहूं इससे हमने कुछ नहीं रखा, जितनी जल्दी आप इसे छोड़ दोगे ना उतने जल्दी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर हटोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब, मैंने कोई पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरी चीजों के लिए होता है, लेकिन अगर आप बात करो ना तो फोन भी आपको अट्रैक्ट करता है इन सब चीजों से, जिसकी वजह से आप एक लूप में फंस जाते हो, जिसे आप जानकर भी या फिर मानकर भी छोड़ नहीं सकते, और आपको कितनी प्रॉब्लम होती है आप भी नहीं जानते। इसलिए अपनी ब्रेन को, अपनी आईज को तंग करना बंद करो, अपनी आईज को प्रॉब्लम देना बंद करो, अपनी बॉडी को तंग करना बंद करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ो, बुक्स खोलो, चैप्टर्स पढ़ो। नहीं सर उसमें तो कुछ मजा नहीं आता, तो ऐसा करो पढ़ने के इंटरेस्टिंग वेज क्या है मैं आपको उसमें वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि आपको डरना नहीं एग्जाम से कभी भी, आपको जो जो सिलेबस मिलता है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, डे टू डे आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो, रीड तो कर ही सकते हो ना, एटलीस्ट एक रिवाइज कर लो, एक लर्न कर लो, उससे होगा क्या, लर्न भी मत करो, रीड तो कर ही सकते हो, ये दिस इज द डैट एंड दिस इज डन, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। माय नेम इज दीपक अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसा तो बोल ही सकते हो ना, रीड कर सकते हो। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपकी बॉडी के अंदर एक काफ़ी हार्मोनल बैलेंसेज होंगी, इमोशनल बैलेंसेज होंगी, आपकी जो ब्रेन रिमेंबरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, आपके जो न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेज है वो नहीं होंगे, और आपके न्यूरल इम्पल्सेज है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, मुझे पता आप बोर हो चुके हो, तो थोड़ा सा रह गया, नॉट डूइंग मेडिटेशन, रात की बात आ गई, मेडिटेशन नहीं करते, उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, टायर्डनेस होती है। मेडिटेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है ना, 9 तरीके वो एक्सरसाइज करने के, उससे होता क्या है आपकी बॉडी को बहुत हेल्प मिलती है, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स रहती है, और आप मेडिटेशन नहीं करते। मेडिटेशन करने से हमारे जो वात पित्त और कफ दोष है ना वो बैलेंस रहती है, और हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो हारमोनी में रहते हैं, सुकून में रहते हैं, पीस में रहते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपके ब्रेन है ना, वो काफ़ी हद तक स्टिमुलेट करता है अच्छे डोपामाइन हारमोन्स, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दीनेस प्रोवाइड करते हैं और आपकी बॉडी को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो रात को देर तक जागना, देर तक जागने से क्या होता है, हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होती है, जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल स्लीप वेक साइकिल, जो हमारे पीनियल ग्लैंड रिप्लेस करता है, हमारे पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है, उससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं ना डिम लाइट में, जब हम ऐसी लाइट बंद कर देते हैं, आपकी बॉडी में ना मेलानिन सेक्रेशन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेलानोसाइट्स, जो कि आपकी बॉडी के अंदर से ना यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी ना थकी जाती है और आप ना सो जाते हो। सोने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ना जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है उससे डाइजेशन प्रेफर होती है, और डाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं, आपके जो बड़े बड़े जॉइंट पार्टिकल जो आपने खाने के फॉर्म में खाए हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में जो स्लीप वेक साइकिल है कि आपको कब जागना है कब सोना है वो भी रेगुलेट होता है। लेकिन आप टाइम पर सो नहीं रहे, टाइम पर जाग नहीं रहे, उससे आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है, जिससे आपकी बॉडी में क्या होगा, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तभी आपको नींद की दवाओं पर खाना खाना पड़ेगा।
या फिर नींद की दवाइयों पे जीना पड़ेगा। पर ऐसा मत करना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि जल्दी जल्दी नींद कैसे आ सकती है। तब तक के लिए आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अगर मेरी वीडियो पे आपको हल्का सा भी यकीन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करो। मैं हर बार आपकी वीडियो को देखता हूँ, हर बार आपकी वीडियो को देखता हूँ कि आप कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कितना सब्सक्राइब कर रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। आपकी फैमिली भी मेरी फैमिली, मैं भी आपकी फैमिली हूँ, आप भी मेरी फैमिली हो। आप बस समझना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए मेरी फैमिली भी आपकी फैमिली है, मैं भी आपकी फैमिली हूँ, अपनी फैमिली समझ के सपोर्ट कर दीजिए। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।